कनिष्क या कनिष्क प्रथम अपने समय के कुशल शासक होने के साथ साथ महान योद्धा भी थे। उन्होंने विश्व के एक बड़े हिस्से पर अपना परचम लहराया था। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन कनिष्क ने चीन को भी जीत लिया था। भारत के ज्यादातर हिस्सों पर उन्हीं का राज था। लगभग पूरे भारत पर कनिष्क ने अपने झंडे गाड़ दिए थे और युद्ध में चीनी सेना को भी धूल चटा दी थी। इतना ही नहीं, कनिष्क ने विभिन्न संस्कृतियों को मिलाया, बौद्ध धर्म के प्रचार में सहायता की, अपने राज्य को व्यापार और वाणिज्य के मामले में बुलंदियों पर पहुंचाया। लेकिन आखिर ये सम्राट कनिष्क थे कौन? क्योंकि दोस्तों, अब तक तो आपके मन में भी इस राजा के इतिहास के बारे में और उसके साम्राज्य के बारे में जानने की इच्छा रही होगी। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कौन थे सम्राट कनिष्क और क्या था उनका पूरा इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले तो आपका एक कंफ्यूजन दूर कर देते हैं, वो ये कि अगर ज्यादातर लोगों की तरह आपको भी यह लग रहा है कि कनिष्क एक भारतीय राजा थे, तो ऐसा नहीं था। मुगलों की तरह भारत में आने वाले कई विदेशी शासकों जैसे यवन पल्लव में कुषाण भी एक थे और इसी वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था कनिष्क। कुषाण साम्राज्य में कनिष्क ही वो पहला शासक था जिसके समय में कुषाण वंश के साम्राज्य के विस्तार शुरुआत मानी जाती है। वैसे तो जिस कुषाण वंश के शासक कनिष्क थे वो भारतीय मूल का वंश नहीं था, लेकिन एक समय ऐसा था जब इन्होंने एशिया पर शासन करते हुए अपने साम्राज्य को चीन और वहां से पश्चिम दिशा की ओर जाने वाले रेशम मार्ग तक फैला लिया था। भारत में कुषाण साम्राज्य की स्थापना कुजुला काटफिशेस नाम के एक शासक ने 15 एडी के दौरान की थी। उसने लगभग 65 एडी तक यहाँ शासन भी किया। कनिष्क का जन्म कब हुआ इसको लेकर कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है और न ही इनके राजपाट संभालने के समय के बारे में भी कोई सटीक जानकारी अवशेष उपलब्ध हैं। पर ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने 78वीं ईस्वी के आसपास राजकाज संभाला था। फिर क्या था, अपनी काबिलियत के दम पर वो एक एक करके अपने दुश्मनों को ढेर कर उनके राज्यों पर कब्जा जमाता चला गया। दोस्तों, किस्से सिर्फ उसकी वीरता के नहीं है बल्कि ज्ञान और अध्यात्म को लेकर उसकी रुचि को लेकर भी वो एशिया के महान शासकों में गिना जाता है। कहा तो यह भी जाता है कि काल गणनान या नया योग सत्संवत की खोज कनिष्क ने ही की थी, लेकिन सभी इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। अगर भारत पर इनके साम्राज्य की बात करें तो इन्होंने शकों और पल्लवों को हराकर उनके साम्राज्य में आने वाले एक बड़े हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया था और इस तरह धीरे धीरे उन्होंने मध्य एशिया से होते हुए उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में अपना कब्जा जमा लिया, जिनमें बनारस कौशाम्बी और श्रावस्ती आदि हिस्से आते थे। कनिष्क के शासन काल में कुषाणों के व्यापार और कारोबार व्यवस्था बहुत ही उम्दा थी और इसकी एक वजह यह भी थी कि उस समय पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा में जितना व्यापार होता था वह उन्हीं राज्यों से होकर किया जाता जो कुषाण साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते थे। ज्यादातर व्यापारी सिल्क रूट से होकर गुजरते थे, उस पर भी कुषाणों का ही अधिकार था। इधर भारत के उत्तर में हिंदू कुश पहाड़ियों तक कुषाण साम्राज्य का ही शासन था, वहीं पूर्व दिशा में पामेर के दर्रों तक कुषाणों का ही साम्राज्य फैला हुआ था। दोस्तों, कनिष्क के शासन काल में भारत और चीन के बीच संबंधों में भी वृद्धि हुई और तो और अलग अलग देशों के बीच संस्कृतियों का आदान प्रदान भी कनिष्क के काल में ही तेजी से हुआ। कनिष्क के शासन काल के समय ही भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार भी तेजी से हो रहा था। उस समय कनिष्क ने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को संरक्षण दिया, साथ ही श्रीनगर में एक जगह पर बौद्ध धर्म की संगति का भी आयोजन किया। कहा जाता है कि आज के समय में यह जगह श्रीनगर में हरवान नाम से जानी जाती है, पर कनिष्क के काल में इसे कुंडल वन कहा जाता था। कनिष्क के शासन काल में यह संगति बौद्ध धर्म की चौथी और आखिरी संगति थी। कहा तो यह भी जाता है कि संगति में बौद्ध धर्म के ग्रंथ त्रिपिटक पर टीकाएं लिखी गई थी। त्रिपिटक की बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा मान्यता है। आज के समय में भी इस किताब को बौद्ध धर्म का विश्वकोश भी कहा जाता है।
कनिष्क ने बौद्ध धर्म के अवशेषों को संरक्षित रखने के लिए आज के समय में पाकिस्तान के पेशावर नामक शहर में एक स्तूप का निर्माण भी किया था। हालांकि आज के समय में यह जगह तो सुरक्षित नहीं बच पाई, लेकिन चीनी यात्री फयान ने अपनी किताब में इस जगह के बारे में जिक्र किया है। वैसे क्या आप जानते हैं भारत आने वाला सबसे पहला चीनी यात्री कौन था? अपना जवाब आप हमें कमेंट करके बताइए। कनिष्क के शासन काल में चलने वाले सिक्कों में ईरानी, यूनानी और कई हिंदू देवी देवताओं जैसे कि सूर्य, शिव और अग्नि के चित्र मिले हैं। इसके अलावा इनके सिक्कों में यूनानी देवता हरकुलस के भी चित्र मिले। कुषाणों ने ही पाकिस्तान के मुल्तान में पहला सूर्य मंदिर बनवाया था। कहा जाता है कि उस समय आज के मुल्तान को काष्टपुर कहा जाता था। दोस्तों, कहा तो यह भी जाता है कि सम्राट कनिष्क ने ही भारत में सबसे पहले भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय की पूजा शुरू की थी, और इस बात का सबूत देते हैं कनिष्क के शासन काल में प्रयोग होने वाले सिक्के, जिन पर इसका प्रभाव बखूबी देखा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, इतना सब कुछ होने के बावजूद कनिष्क के धर्म के बारे में कोई विशेष जानकारी इतिहासकार नहीं जुटा पाए हैं। हालांकि उसके सिक्कों पर कार्तिकेय के अन्य नामों जैसे विशाख, स्कंद आदि भी अंकित पाए गए हैं। ऐतिहासिक अवशेषों और दस्तावेजों से पता चलता है कि कनिष्क का साम्राज्य बंगाल तक फैला हुआ था। कनिष्क का साम्राज्य अरब सागर से लेकर सिंध से लेकर आज के पाकिस्तान और तजाकिस्तान तक था। ऐतिहासिक दस्तावेज तो यह भी बताते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में पाटलिपुत्र से लेकर गुजरात की नर्मदा नदी और उत्तर में पामेर के पठार से लेकर दक्षिण दिशा में कोंकण तक था। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि कनिष्क के शासन काल में उसने भारत के एक बड़े हिस्से से लेकर पाकिस्तान और चीन तक अपने साम्राज्य की सीमा बढ़ा रखी थी। कनिष्क ही वो पहला राजा भी था जिसने उत्तर भारत के बाद पश्चिम में चीनी हिस्से को भी जीत लिया था। हालांकि उसका शासन स्थापित नहीं हो पाया। कहा जाता है कि कनिष्क चीन के सम्राट की पुत्री को अपना दिल दे बैठा था। उसने चीन के सम्राट की पुत्री से विवाह का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन चीनी राजा को कनिष्क का यह प्रस्ताव पसंद नहीं आया था। जब चीन के राजा ने कनिष्क का यह प्रस्ताव ठुकरा दिया तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने चीन पर हमला कर दिया। चीन की सेना काफी मजबूत थी, लिहाजा इस युद्ध में कनिष्क को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद कनिष्क ने दोबारा चीन पर हमला किया और इस बार वो युद्ध जीत गया, पर इसके बाद भी वो चीन पर अपना शासन स्थापित करने में असफल रहा। हालांकि इस युद्ध में जीत से उसे यारकंद, ताशकंद और भूटान पर जीत जरूर मिली थी। लगभग 23 सालों तक कुषाण साम्राज्य पर शासन करने के बाद 101 या 102 ईस्वी में कनिष्क की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उसकी मौत पुरुषापुरा नाम की एक जगह पर हुई। उसकी मौत कैसे हुई इसके बारे में इतिहासकारों को कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद हुबी शाका ने कुषाण साम्राज्य की कमान को संभाला। तो दोस्तों, ये था सम्राट कनिष्क का पूरा इतिहास। क्या आपको उनकी शूर वीरता के बारे में पहले से पता था? ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे ही अन इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।